डियर स्टूडेंट्स, आई प्रोफेसर भारती करारे, लेक्चरर कंप्यूटर डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, वेलकम्स यू इन दिस प्रैक्टिकल सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टुडे वी विल सी प्रैक्टिकल नंबर 13, राइट प्रोग्राम्स यूजिंग अरेज। नाउ प्रैक्टिकल आउटकम्स, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि हम एरेज का प्रोग्राम लिख पाएंगे। उसमें राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी वन एरे इनटू सेकंड एरे फॉर गिवन डेटा एलिमेंट्स। हमें जो डेटा एलिमेंट्स दिए गएंगे उससे हमें एक एरे से दूसरे एरे में हम वो एलिमेंट्स को कॉपी कर पाएंगे। एंड राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे बाय रिवर्सिंग एलिमेंट्स ऑफ गिवन एरे। मतलब जो एरे के हमारे कंटेंट्स दिए हुए एलिमेंट्स है उसको रिवर्स किस तरीके से हम प्रिंट करते हैं, उसको रिवर्स कैसे कराएंगे, ये भी हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू समझ में आएगा। नाउ प्रैक्टिकल स्किल्स, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हमें जो प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होने वाली है वो है, हमें एल्गोरिदम लिखते आएगा, फ्लोचार्ट ड्रॉ करते आएगा, हम सी में सी प्रोग्राम लिख सकेंगे, उसको सेव कर सकेंगे, हम टर्बो सी में वो प्रोग्राम को कंपाइल कर सकेंगे, उसे डीबग कर सकेंगे और एग्जीक्यूट कर सकेंगे। ओके, और ये सब करते हुए हम इथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाएंगे। देन कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त हमारा कोर्स आउटकम 3 फुलफिल होता है, यूज एरेज एंड स्ट्रिंग इन सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में हम एरेज यूज कर रहे हैं। देन बेसिक प्रोग्राम आउटकम्स हमारे 1 और 4 फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम के थ्रू हमारा बेसिक नॉलेज, ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमारा बेसिक नॉलेज बढ़ रहा है। देन हम कंप्यूटर एज ए इंजीनियरिंग टूल यूज करते हैं, प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन होगा और उसका आउटपुट हम चेक करते हैं, सो टेस्टिंग। सो ये 1 और 4 प्रोग्राम आउटकम फुलफिल होते हैं। नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल नंबर 13, राइट प्रोग्राम्स यूजिंग एरे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एरेज आर इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जेक्टिव सी एंड नीड लॉट्स ऑफ मोर डिटेल्स। एरेज ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है सी के लिए। कॉपिंग एन एरे इन्वॉल्व्स इंडेक्स बाय इंडेक्स कॉपिंग। कॉपिंग एन एरे मतलब एक एरे से दूसरे एरे में कॉपी करना है हमें, तो 1 by 1 एग्जैक्टली जैसे कि वैसे हमें कॉपी करना है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट। फॉर दिस टू वर्क वी शैल नो द लेंथ ऑफ एरे इन एडवांस विच वी शैल यूज इन इटरेशन। तो हमें एरे की लेंथ पता होना चाहिए, और इसलिए एरे की लेंथ इसलिए पता होना चाहिए कि उतने टाइम हम वो प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अनदर एरे ऑफ length, same length shall be required to which the array will be copied. Array को हम दूसरे array में copy कर रहे तो वो दूसरे array की भी length ये पहले array के length के equal होना चाहिए. Okay? तो same length of arrays required है. Now, what is array? अब ये array का practical अगर हम perform करने जा रहे हैं तो array क्या है ये हमें पता होना जरूरी है. Okay? तो array is a कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये हमने लास्ट प्रैक्टिकल में भी देखा है, जस्ट वी हैव टू रिव्यू इट कि एरे क्या होता है कि कंटिन्यूअस लोकेशन में हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं और सिमिलर डेटा टाइप रहता है उसको हम एरे नेम देते हैं, डेटा टाइप देते हैं, एरे का नाम देते हैं मेमोरी लोकेशन का, और देन ये सबस्क्रिप्ट रहता है यहाँ पे हम उस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो साइज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, और यहाँ 0 से हमारी पोजीशन स्टार्ट होती है तो लास्ट पोजीशन n-1 तक आती है। ओके, सो दैट इज द एरे। एरे इज कंटिन्यूअस लोकेशन में स्टोर किए हुए हमारे नंबर्स, हमारे कैरेक्टर्स या हमारा स्ट्रिंग होता है। ओके, सो एरे इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस मेमोरी, यूज्ड कंटिन्यूअस मेमोरी फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स। एंड 2 प्रकार के मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, 1 डायमेंशनल एरे होते हैं, उसका सिंटेक्स भी हमने देखा हुआ है, उसका एग्जाम्पल हमने देखा है कि इंटीजर नंबर 10 देन उसके किस तरीके इनिशियलाइज किस तरीके से कर से, यहाँ भी हमने देखा, ये लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था। नाउ लॉजिक, कॉपी वन एरे इनटू सेकंड एरे, एक एरे को हमें दूसरे एरे में कॉपी करना है तो उसके लिए कौन सा लॉजिक हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, जैसे 52796 ये हमने ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया है, ए ऑफ 0 में 5, ए ऑफ 1 में 2, ए ऑफ 2 में 7, ए ऑफ 3 में 9 एंड ए ऑफ 4 में 6। तो हमें कॉपी करना है, मतलब ऐसे के ऐसे यही लोकेशन में दूसरे नाम में दूसरे एरे में हमें ऐसे के ऐसे ही कॉपी करना है। ओके, जैसे ए एरे है तो हमें बी एरे में
सेम कंटेंट्स को कॉपी करना है। जैसे ये एरे वन है तो इसके कंटेंट्स जैसे के वैसे एरे टू में हमें कॉपी करना है। तो हम उसके लिए क्या लॉजिक यूज करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट साइज एंड एलिमेंट्स इन एरे स्टोर इट इन सम वेरिएबल से साइज एंड सोर्स। हम एरे डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसका साइज डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर अनदर एरे डेस्टिनेशन टू स्टोर एरे स्टोर कॉपी ऑफ सोर्स। नाउ टू कॉपी ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एरे यू जस्ट नीड टू इटरेट थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ अ सोर्स। मतलब ये यहाँ का यहाँ कॉपी करने के लिए हमें वो जैसे कि वैसे उतनी बार इटरेट करना पड़ेगा। जैसे एक दो तीन चार पांच एलिमेंट है तो हम पांच बार हमारा लूप वर्क होगा। और ये लोकेशन जैसे ए ऑफ जीरो टू बी ऑफ जीरो, मतलब जीरो टू जीरो की लोकेशन पे, वन का वन की लोकेशन पे, इस तरीके से हम उसको कॉपी करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने बार हमारा लूप जो है वो रिपीट होगा। इसलिए हम फॉर लूप यूज करेंगे और हम जस्ट सिंपल कुछ नहीं करने वाले। हम जैसे ए एरे को बी एरे के कंटेंट्स के साथ जस्ट हम इक्वल टू देके कॉपी करेंगे, इसके कंटेंट्स को इसके कंटेंट्स के साथ कॉपी करेंगे। सिर्फ आई जो है वो हमारा जो लोकेशन है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। सो जस्ट यू हैव टू गेट द लॉजिक। अभी आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि हम क्या करेंगे। हमने एक एरे डिफाइन किया है, दूसरा एरे भी सेम साइज का डिफाइन किया है, एक एरे में हमने कंटेंट्स डाले मतलब एलिमेंट्स एंटर किए। अब ये एलिमेंट्स एंटर होने के बाद हम क्या लॉजिक यूज करते हैं कि जितने एरेज हमने एलिमेंट्स एंटर किए उतने तक हमारा लूप इटरेट हो रहा है एन टाइम्स। एंड उतने बार हम क्या कर रहे हैं कि ये ए एरे के कंटेंट्स बी एरे में स्टोर कर रहे हैं। ओके, सो इट इज बाय यूजिंग फॉर लूप, दिस इज जस्ट अ लॉजिक। नाउ फॉर दैट हमने अल्गोरिदम लिखा, स्टार्ट किया, दो एरेज लिए, स्टोर वैल्यूज इन ए, ए में हमने वैल्यू स्टोर किया, लूप फॉर ईच वैल्यू ऑफ ए, ए के हर वैल्यू के लिए हमने लूप लिया, कॉपी ईच इंडेक्स वैल्यू टू बी एरे एट द सेम इंडेक्स लोकेशन पे कॉपी किया और स्टॉप किया। और उसका ये जनरल फ्लो चार्ट है, वी हैव टू राइट हियर स्पेसिफिक, आप इसको स्पेसिफिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम में हमने ये एसटीडीआईओ कोनियो मेन ये सब कुछ लिखा। फिर उसके बाद हमने आई और एन मतलब वो काउंट करने के लिए नंबर ऑफ इटरेशन काउंट करने के लिए लूप काउंटर लिया आई, और कितने एलिमेंट्स हमें एंटर करना है इसके लिए हमने एन लिया। ये दो सेम साइज के एरे लिए हमने, एरे वन एरे टू, जस्ट ये मैसेजेस हमने प्रिंट किया। हमने पहले एलिमेंट स्कैन किए मतलब उसकी वैल्यू एक्सेप्ट की हमने कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें एंटर करना है। देन उसके बाद हमने हर एरे को जितने एलिमेंट्स हमने एंटर किए उतने एलिमेंट्स की वैल्यू लेने के लिए हमने फॉर लूप यूज करना है, फॉर आई टू एन तक, एन एलिमेंट्स है तो एन तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अब उसमें हम हर बार प्रिंट कर रहे हैं और उसके नीचे हम वो वैल्यू लिख रहे हैं। ओके, स्कैन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एम्परसैंड एरे का जो नेम है उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिया, तो आई का मतलब आई हमारा कहाँ से वैरी हो रहा है, जीरो से। तो फर्स्ट पोजिशन से लेके तो लास्ट पोजिशन तक हम एवरी टाइम ये लूप में उसकी वैल्यू एक्सेप्ट कर ले, वैल्यू स्टोर कर ले। ओके, अभी कॉपी करना है तो जो पोजीशन में, जैसे एरे वन के वन पोजीशन में जो नंबर है वो एरे टू के वन पोजीशन में होना चाहिए। तो इसीलिए सेम जैसे के वैसे हम उसको कॉपी करेंगे, उसके लिए फिर से सेम लूप हम यूज करेंगे। जस्ट यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ लिया था, अभी हम इसको कॉपी कर रहे हैं। आई में जो कंटेंट्स है वो सॉरी एरे वन में जो कंटेंट्स है वो एरे टू में कॉपी कर रहे हैं और उतनी ही बार प्रोसेस रिपीट हो रही है। ओके, तो एरे वन के आई के कंटेंट्स इज इक्वल टू एरे टू के आई, मतलब यहाँ से हम इसमें कंटेंट्स को कॉपी कर रहे हैं। जस्ट वी हैव टू राइट दिस लॉजिक। देन अभी क्या कर रहे हैं, हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। अब आई में एरे वन में क्या है और एरे टू में क्या है, तो हम एरे वन को भी प्रिंट कर रहे हैं और एरे टू को भी प्रिंट कर रहे हैं, तो दोनों के कंटेंट्स हमें सेम मिलेंगे। प्रिंटिंग के लिए अगेन हम वही फॉर लूप यूज कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे स्कैनफ की जगह पे हम यहाँ प्रिंट एफ कर रहे हैं। ओके, तो जस्ट वी हैव टू यूज दैट लॉजिक। ओके, यहाँ पे हमने एरे टू को प्रिंट किया, यहाँ पे हमने एरे वन को प्रिंट किया, तो हमें जो एंटर किया हमने वो जैसे के वैसे एरे हमें मिलेगा। ओके, नाउ अभी दूसरा है कि टू क्रिएट एन एरे बाय रिवर्सिंग द एलिमेंट्स ऑफ गिवन एरे। अभी हमने ये जो 52796 एंटर किया है ये एरे को एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन से वो प्रिंट होना चाहिए, मतलब लास्ट पहले होना चाहिए, 6 फिर 9 फिर 7 फिर 2 फिर 5। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 6 है तो लास्ट एलिमेंट को सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे। ओके, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से हम
लास्ट को पहले लेंगे 6 9, इस तरीके से लास्ट से प्रिंट करना शुरू करेंगे। एक्सेप्ट तो हम वही डायरेक्शन से करेंगे, 5 2 मतलब 0 1 2 3 4 तक एक्सेप्ट करेंगे, बट प्रिंट करते वक्त हम कैसे प्रिंट करेंगे, 4 3 2 1 9। एलिमेंट्स जाके वही है, हमने जहां स्टोर किए वही स्टोर किए, बट वी हैव टू रिवर्स इट बाय टेकिंग द पोजीशन। हम सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जो 4 में है उसे हम 0 में ला रहे हैं, तो हम किससे पोजीशन चेंज करेंगे, उसको शिफ्ट करके। ओके, सो वी हैव टू जस्ट प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। उसके लिए लॉजिक कुछ भी नहीं है, हमने एरे को एंटर करने के लिए स्कैनअप से हम एंटर करेंगे आई एरे, अब उसको रिवर्स एरे में प्रिंट करना है, तो हम अपोजिट डायरेक्शंस के उसको सिर्फ प्रिंट करेंगे, बाकी कुछ भी। ओके, सो दिस इज द लॉजिक। नाउ इसके लिए एल्गोरिदम लिखा हमने, फ्लो चार्ट भी ड्रॉ किया। इसके लिए लॉजिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एन एलिमेंट्स लिए, एरे एन लिया हमने जो भी है, यहाँ पे इसका साइज देना पड़ेगा, एन नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, 10 20 30 लिखेंगे। ओके, तो एलिमेंट्स एंटर किए, एलिमेंट्स के बाद उसको हर किसी की वैल्यू एंटर करने के लिए हमने फॉर लूप यूज करके स्कैनअप स्टेटमेंट से वैल्यू एंटर किए, फिर उसको रिवर्स प्रिंट करने के लिए हमने फॉर आई इज इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उससे माइनस वन करते हैं, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए थे उसे माइनस वन क्यों किए, क्योंकि हमने इनिशियलाइज 0 से किया, इसलिए हमने एन माइनस वन पोजिशन से उसको प्रिंट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे इसके एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसीजर हमने यूज की, आई इज ग्रेटर देन 0 मैक्सिमम पोजिशन सेट की, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक कंपेयर किया और उसको डिक्रीमेंट किया, एंड जस्ट सिंपल जैसे यहाँ स्कैनअप किया था वैसे यहाँ पे हमने प्रिंट एफ किया। सो दिस इज द लॉजिक। ओके, तो हमें यह आउटपुट मिलेगा। नाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसके लिए हम टर्बो सी में जाएंगे, टर्बो सी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखेंगे दोनों के, एंड यस ओके। अभी हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, अभी हम यहाँ ओपन करेंगे। ओपन में सी प्रोग्राम कौन से नाम से है, आई थिंक CPR नाम से हमने यहाँ पे सेव किया होगा, तो चेक करते हैं CPR। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम था, 13। ओके, तो प्रोग्राम नंबर 13 पे जाते हैं, 13 पे जाके एंटर करते हैं, तो 13 आ गया हमारा CPR PR 13। इसमें देखो क्या किया हमने, दो एरेज लिए हमने, एलिमेंट्स ऑफ वन एरे इनटू अनदर एरे, कॉपी करने के लिए सेम प्रोसीजर रिपीट किया। हम इसको अभी कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद यहाँ एरर आ रहा है। देखिए एरर कौन सा आ रहा है कि स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है क्या, नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है वो एक्स्ट्रा दिया है। ओके, सो इन दैट वे वी हैव टू कंपाइल दैट, कंपाइल करेंगे, 0 एरर, हम रन कर रहे हैं अभी उसको, रन करेंगे। अब इनपुट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन एरे, कितने एलिमेंट्स हमें स्टोर करना, सपोज 5, तो 5 की वैल्यूज हमें देना है 1 3 6 7 8। ओके, इन दैट वे हमने वैल्यू को एंटर किया, तो जो एलिमेंट्स फर्स्ट एरो में है वही एलिमेंट सेकेंड एरो में है। ओके, सो इन दैट वे कॉपी किया हमने। अभी हमें दूसरा प्रोग्राम देखना है, उसको ओपन करते हैं हम। यहाँ पे अगेन CPR नाम से होगा हमारा दूसरा प्रोग्राम, 13A CPR PR 13B। नहीं, ओके, वी हैव टू चेक इट। हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोज ऑल। हमारा दूसरा प्रोग्राम क्या था, रिवर्स वाला, तो ठीक है, ओके, हम रिवर्स नाम से चेक करते हैं उसको, रिवर्स नाम से हम उसे चेक करके देखते हैं, REVERSE है क्या, देखेंगे रिवर्स REVE। ओके, रिवर्स एरे नाम से उसको एंटर करते हैं, इसको हम कंपाइल करेंगे। अगेन यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था आपको कि यहाँ पे साइज मेंशन करनी है हमें, तो यहाँ पे हम 10 साइज मेंशन करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर। अगेन इसको रन करते हैं, रन करने के बाद एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, कितने एलिमेंट्स, 5 में डालते हैं 1 2 3 4 5। ओके, अभी देखो रिवर्स एरे प्रिंट हुआ है, एग्जैक्टली अपोजिट, सो दैट वे वी हैव टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। नाउ अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हम यहाँ जाके क्या करते हैं, क्विट करेंगे, हम यहाँ से बाहर निकल गए, प्रोग्राम सेव हो गए। सो इन दैट वे हमने प्रैक्टिकल नंबर परफॉर्म किया है, प्रैक्टिकल नंबर 13 परफॉर्म।